देखो डी एक्स dy डी वाई निकाल लेंगे डी वाई से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्ल टू जीरो अब क्या करेंगे इसमें हम जो है डी एक्स ओवर डी वाई से रखेंगे और इधर कौन सा रखेंगे x और इस y से डिवाइड कर देंगे और इस वाई स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे और ये y से डिवाइड है तो एक y बचेगा ठीक है अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल निकालते तो यहाँ पर पी की वैल्यू है वन ओवर वाई और क्यू की वैल्यू है वाई जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई टू पावर वन अपॉन वाई डी वाई और वन अपॉन वाई क्या आ जाएगा लोग वाई और लोग वाई और ई e, e से लोग कैंसिल होके वाई आ जाएगा ये और फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो इधर जो हमारा क्या था एक्स एक्स इंटू फैक्टर वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो इधर फंक्शन है हमारा और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और डी वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट वाई की वाई में मल्टीप्लाई हो गया वाई और वाई स्क्र का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई थ्री और प्लस सी बस ये इसका आंसर आ गया देखो ये इक्वेशन जो है इसने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स अब ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते और ये होमोजीनियस भी नहीं है यहां टू डिग्री है या वन डिग्री है वन डिग्री है तो फिर क्या करें इसके लिए तो हम क्या करेंगे इसे डीएक्स ओवर डी वाई में चेंज करो देखते हैं एक बार करके इसे तो डीएक्स ओवर डी वाई यहां पहुंच जाएंगे तो ये बनेगा अब वाई डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वेयर ठीक है यहां डीएक्स वाले हैं तो इस वाई से तो भाग कर दो और इस एक्स को इधर उठा कर ले आओ कैसे डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई या वन अपॉन वाई एक्स इक्वल टू थ्री वाई ये बचेगा इसमें अब पी की वैल्यू तो ये आ गई माइनस वन ओवर वाई और क्यू की वैल्यू आ गई थ्री वाई और अब जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे ई टू दावर पी डी वाई करके फॉर्मा लिखेंगे और ई टू दावर पी पी की वैल्यू है माइनस वन ओवर वाई डी वाई और वन ओवर वाई क्या हो जाएगा लोग वाई ठीक है और ये जो माइनस है इस पावर को यहाँ ले जाओ तो वही ई टू दावर माइनस वन हो जाएंगी ये तो जब ई टू दावर माइनस वन लोग वाई टू द पावर माइनस वन का मतलब होगा ये तो कैंसिल हो गए तो वाई टू दावर माइनस वन या वन अपॉन वाई ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन के लिए क्या बताया तरीका <laughs> कि जो हमारा ये है एक्स है ना एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि वन अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो इधर संख्या है हमारे फंक्शन है थ्री वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन वाई डी वाई और प्लस सी ये वाई से वाई हो गया और ये आ गया इधर एक्स अपॉन वाई थ्री बचा है केवल इधर और डी वाई और और तो एक्स वाई ये कितना गया? थ्री वाई और प्लस सी। वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा थ्री वाई स्क्वे प्लस सी वाई देखो ये इक्वेशन दी हुई है एंड कंडीशंस आर वाई टू जीरो वी हैव टू यूज दिस कंडीशंस तो कैसे लिखेंगे इसे इसमें जो है देखो y डी आई वाई डी और y के साथ में लिखे हुए हैं तो p p की वैल्यू क्या है इसकी कंपेयर कर लेंगे स्टैंड इक्वेशन के साथ में तो p निकल का जाएगा हमारा टू टेन एक्स क्यू क्या है साइन x तो ये तो इसने अपने आप इक्वेशन लिख के दी हुई थी अब वी नो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कैसे निकालते थे हम इ टू दी पावर टी डी एक्स तो टू टेन एक्स डी एक्स तो टू को तो हम बाहर लिख लेंगे और X का? बताओ क्या होता था लोग साइन एक्स या कोस एक्स सेक एक्स ठीक है अब ये टू जो पावर है इसके यहां पहुंच जाएगी इसके पावर में पहुंच जाएगा मतलब तो टू दावर लोग, लोग आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो इट विल बी सोल्यूशन क्या होगा इसका हमारा वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल रहा था ये सैक स्क्र एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू यानी कि साइन एक्स इंटू सेक स्क्र एक्स डी एक्स ठीक है और प्लस एक कांस्टेंट अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इधर तो कुछ होना ही नहीं है अब ये तो सोल्व हो ही चुका है और इसका कैसे करोगे नहीं इसे एक सेक एक्स को वन अपॉन कोसेक्स लिखो और वो हो जाएगा साइन एक्स ओवर कोसेक्स ठीक है और साइन एक्स ओवर कोस एक्स क्या हो गया टेन एक्स इसको पहले लिख लो सैक एक्स और ये है टेन एक्स ठीक एक्स। एक्स। है और सेक एक्स होता है इसका और प्लस सी और इधर है वाई सेक स्क्र एक्स चाहो तो इस सेक स्क्र एक्स पूरे को भाग कर दो इधर सेक्टर एक्स हट जाएगा तो जब हम इसे भाग कर देंगे तो यहां इधर बचेगा वाई हम्म इसे भाग कर रखा है तो वन अपॉन सेक एक्स बचेगा क्योंकि sec स्क्वेयर से भाग करा है और वन अपॉन सेक एक्स कितना हो गया कोस एक्स और प्लस सी अपॉन तो ये सी कोस स्क्वेयर एक्स आ गया ठीक है सेक स्क्र से एक भाग करा है ना तो ये ऊपर जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स हो गया अब इसकी जो कंडीशन है ना रख लो वाईक्वल टू जीरो टू जीरो प्लस सी कोस की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू और प्लस सी वन बाई फोर ठीक है इस वन बाई टू को इधर लेके जाओ तो ये हो गया माइनस वन बाई टू इक्वल टू सी बाई फोर ये फोर इधर आ गया यहाँ तो कितना हो गया ये सी इक्वल टू माइनस फोर बाई टू टू से डिवाइड होके माइनस टू तो सी की वैल्यू इसमें रख लेंगे हम वापस तो वाई इक्वल टू आ जाएगा कोस एक्स माइनस टू कोस स्क्वेर एक्स ये आ गई तुम्हारी देखो ये दिया हुआ है इक्वेशन में और दिस इज द कंडीशन वी हैव टू अप्लाई नाउ वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन विद वन प्लस एक्स स्क्वेयर तो वन प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके गुना में कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए अकेला होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो अब इक्वेशन ये ऐसे चेंज हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्र ठीक है ना ये एक पहले से ही था एक इसी आ जाएगी पावर तो इस तरह से टू पावर आ गई है और अब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी विल बी टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर पी की वैल्यू ये आ जाएगी एंड नाव क्यू क्यू इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्र अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा e टू दावर टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क् डी एक्स कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल ऊपर आया हुआ है ठीक है तो इसका मतलब ये अगर टी है तो ये डी टी आ रहा है तो ई टू पावर वन ओवर टी वन ओवर टी का हो गया लोग टी तो ये हो गया लोग वन प्लस एक्स स्क्र और ई e और लॉग आपस में कैंसिल तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन प्लस एक्स स्क्र अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो y मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा इंटीग्रेशन जो इधर वाली संख्या थी ये ये है है ना वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्र होल स्क्र मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स और प्लस सी तो ये कैंसिल होगी इसकी वन पावर तो ये आ गया इधर वन प्लस एक्स स्क्र वाई इक्वल टू ये हमारा बचा है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर और वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी ठीक है अब ये इसकी जो कंडीशन है इन्हें अप्लाई करेंगे वाई इक्वल टू जीरो वन एक्स इक्वल टू वन तो वाई वाईक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे जीरो हो जाएगा सारा और एक्स इक्वल टू वन यहाँ रखेंगे पाई बाई फोर आ गया ठीक है ये पाई बाई फोर हो गया इसको इधर ले आओ तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हाँ, सी की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई फोर ठीक है वन पाई बाई फोर की वैल्यू है ना और अब सी की वैल्यू इसमें रख देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में तो यह जाएगा हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू तो टेन इनवर्स एक्स और माइनस पाई बाई फोर इस तरीके से इसका ये सोल्यूशन तो देखो ये फिफ्टीन क्वेश्चन है और इसमें ये दी हुई है इक्वेशन हमें दीज आर दंडीशन वाईक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू फाई बाई टू अब इसमें हम इसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी विल बी माइनस थ्री कोट एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू साइन टू एक्स नाव वी फाइंड इंटीगेटिंग फैक्टर इंटीगेटिंग फैक्टर विल बी टू power पी डी एक्स तो पी माइनस थ्री को हम बाहर कर लेंगे इसे और कोट एक्स कोट एक्स क्या होता है इसका इंटीग्रेशन बताओ लोग साइन एक्स ठीक है माइनस थ्री विल गो इन द पावर्स तो ये क्या हो जाएगा ई टू पावर लोग साइन एक्स टू पावर माइनस थ्री और ई e और लोग ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ गया वन ओवर साइन क्यूब एक्स ये आ गया निकल के ठीक है और अब इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि वन ओवर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स जो क्यू था हमारा और साइन टू एक्स को हम इसमें फॉर्मा लिख लेंगे इसका टू साइन एक्स कोस एक्स और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन ओवर साइन क्यूब एक्स है साइन क्यूब एक्स और डी एक्स और प्लस सी अब देखो साइन एक्सके पावर कैंसिल हो जाएगी ठीक है और जो ये टू है इसको बाहर लिख लेंगे हम और कोशेक्स ओवर साइन एक्स तो जाएगा हमारा कोट एक्स और एक साइन एक्स को ऊपर ले जाओ ये कोसेक एक्स हो जाएगा तो इस तरह से ये आएगा कोसेक एक्स कोट एक्स और प्लस सी अब कोसेक एक्स कोट एक्स इसका इंटीग्रेशन माइनस कोशेक एक्स ठीक है और प्लस सी और इधर है वाई और साइन क्यूब एक्स लिख लो या वाई को क्यूब एक्स लिख लो एक ही बात है वो तो ठीक है तो ये है वाई को से क्यूब एक्स अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे एक्स में लू पाई बाई टू रखेंगे क्या आती थी? है एक्स ठीक है तो, तो टू इंटू वन और इधर माइनस टू इंटू वन और प्लस सी ये टू इधर आ गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई फोर सी की वैल्यू आ जाएगी फोर और अब इस इक्वेशन में हम रख देंगे यहां पे तो ये वाई को से क्यूब एक्स एक्स से, से डिवाइड कर दो पूरी को तो इधर वाई बचेगा केवल और यहां हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वेयर हो जाएगा फिर ये है ना ऊपर जाके और प्लस सी सी की वैल्यू थी हमारी यी फोर फोर और साइन क्यूब एक्स क्योंकि हमने कोसेक क्यूब एक्स से डिवाइड कर रखा है तो कहता है द करव पासिस थ्रो द ओरिजिन ओरिजिन से पास हो रहा है एक तो ये बात ध्यान रखनी है इफ एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो और ये कह रहा है द स्लोप जो उसकी प्रवनता है वो एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर कोई कर्व कुछ भी है किसी तरीके का कर्व है ऐसे इस पर कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर अगर हम इसकी टेंजेंट लेते हैं ऐसे ये है, इस पर रेखा तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इस पॉइंट पर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई है अगर इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं तो इनके सम के इक्वल है इनका जोड़ ठीक है ना द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व तो यहां पर अभी से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर लोगे इस y को इधर ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ गए और इसमें p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन और q की वैल्यू तुम्हारी x है अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा ई टू पावर पी तो माइनस वन डी एक्स हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ई टू दावर माइनस एक्स और जब इन इसे सोल्व करोगे तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस सी लिखो इसे ये हो जाएगा ई टू दावर माइनस एक्स तो आ जाएगा बाहर और एक्स माइनस वन अंदर आ जाएगा इसका और प्लस सी ठीक है और अब इसमें हम इनकी वैल्यू रख लेंगे देखिए जरा यही आएगा क्या इंटीग्रेशन देखो इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है ना इंटे... तो माइनस एक्स आएगा ये तो ये आएगा माइनस एक्स तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ़ डिफ़रेंशियल ऑफ़ फर्स्ट एक्स का वन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस यही आ जाएगा ठीक है ये इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है अब इसमें ये वैल्यू रख लेंगे एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो तो ये जीरो आ जाएगा ये कंडीशन रखनी है हमें और इधर एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो ये माइनस वन और ई टू तो द पावर माइनस एक्स ई एक टू तो द पावर जीरो और प्लस सी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के वन क्योंकि ई टू द पावर जीरो वन हो गया अब यहाँ पे सी की वैल्यू वन रख लेंगे और इस सी तो टू दावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन और प्लस वन इू द पावर एक्स ये आ जाएगा क्योंकि हमने डिवाइड कर रखा है इ टू द पावर माइनस एक्स से इस एक्स को भी इधर ले आओ तो ये आ गया अब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ये तुम्हारा वो आ जाएगा